बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपडेट्स सबसे पहले रुक कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी, सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल 40,620 मतों से आगे हैं। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, कल्पना वर्मा 6,985 वोट से आगे चल रहे हैं। जोबट में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, सुलोचना रावत 10,526 वोट से आगे चल रहे हैं। शिशुपाल यादव 7,306 वोट से आगे हैं। तो लगातार वोटों की गिनती जारी है, रुझान लगातार आ रहे हैं। आपको अनादि टीवी पर सुबह से ही पल पल की अपडेट्स हम दे रहे हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं, खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल 40,620 मतों से आगे हैं। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कल्पना वर्मा 6,985 वोट से आगे हैं। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल 40,620 मतों से आगे हैं। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा 6,985 वोट से आगे चल रही हैं। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे और रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही, कल्पना वर्मा 6,985 वोट से आगे चल रहे हैं। तो रैगांव में प्रतिमा बाघी और कल्पना वर्मा के बीच मुकाबला है, कल्पना वर्मा इस वक्त आगे चल रही हैं रैगांव विधानसभा सीट से। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अब चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। नीलांशु जी बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नीलांशु जी, जिस प्रकार से रैगांव सीट पर तो खैर कांग्रेस आगे चल रही है, क्या कुछ उम्मीद अब आपको? नहीं, कांग्रेस हम लोग रैगांव चुनाव पूरे प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और ये रैगांव क्षेत्र की जनता की जीत है। जी नीलांशु जी, जिस प्रकार लगातार जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है लगातार जो है, अब क्या कुछ उम्मीदें आगे भी जो रैगांव सीट पर इस वक्त, लेकिन आगे और क्या 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ उम्मीदें जाग रही हैं? देखिए, हमेशा सतना जिले से ही भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगती है। 2017 का जो उपचुनाव हुआ था चित्रकूट का, वहां से आग लगी की, तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार यहां से रैगांव से लगेगी आग और 2023 में 160 सीट लेके कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। एक ऐसी सरकार बनाएगी जो युवा और किसान की सरकार होगी। जी बिल्कुल, जो बीच में नीलांशु जी मशीन खराब होने की भी खबर आई थी कि मशीन खराब हुई है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी? मशीन खराब करना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नियम है, लेकिन जब ईश्वर का चक्कर चलता है तो इनकी कोई मशीन और कोई शाम नाम दंड वेद भारतीय जनता पार्टी का चलता नहीं है, फिर ईश्वर का ही दंड चलता है। बिल्कुल, तो लग रहा है आपको कि इसमें बीजेपी का हाथ है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता किसका हाथ है, ये तो प्रशासनिक अमला जाने किसका हाथ है, लेकिन ईश्वर का हाथ और आम जनता का हाथ कांग्रेस के साथ है, ये बात जरूर तय है। बिल्कुल, जिस प्रकार बढ़त है सुबह से ही लगातार जो है रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी जिस प्रकार से आगे चल रही हैं, आपको लग रहा है आप जीत आपकी पक्की है, निश्चित है रैगांव में? निश्चित है, हम लोग तो काउंटिंग के पहले से ही जीत निश्चित थी। आम जनता की लड़ाई थी, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से परेशान हो गई है, महंगाई से मध्यम वर्ग गरीब होता जा रहा है, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, सरसों का तेल आसमान छू रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, इसलिए उनको महंगाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि महंगाई प्राकृतिक आपदा से बढ़ी है। जब ऐसी सोच, कौन सी प्राकृतिक आपदा से महंगाई बढ़ती है कि भगवान ने डीजल पेट्रोल मंगा लिया है अपने ऊपर स्वर्ग में कि यहाँ कम पड़ रहा है? ये सब इनकी बुरी नीतियां हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान आंदोलित है, नौजवान आंदोलित है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, किसान के पास खाद नहीं है,
खाद की कीमत बढ़ जाती है तो देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारी मजबूरी है खाद की कीमत बढ़ाना, और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना कौन सी मजबूरी है, ये भी इनसे सवाल पूछते हैं हम लोग। तो ये इनकी नीति और नियत सब खराब है। आम जनता का चुनाव है, देश की प्रदेश की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। कोरोना काल में थाली और दिए जलवाते हैं, शंख बजवाते हैं और फिर घोषणा करते हैं 20,000 करोड़ की। 20,000 करोड़ का पता नहीं चला कहां गया, किस युवा को रोजगार मिल गया कि किसको, जिन कोरोना काल में जिन लोगों की डेथ हुई उनको क्या हुआ, तो बुरा हाल है। लेकिन भगवान सब देख रहा है, हिंदुस्तान है, सत्य और असत्य पे चलता है। बहुत हो गया इनका असत्य का राज्य, अब तो सत्य की ओर हिंदुस्तान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता चल चुकी है। और कांग्रेस के साथ हाथ के पंजे के साथ 2023 में और 2024 में मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक ऐसी सरकार होगी जो युवाओं की, किसान की सरकार होगी, न कि उद्योगपतियों की सरकार होगी। बिल्कुल। बाकी लेकिन हम 3 सीटों की बात करें तो वहां पर जरूर नतीजे जो है लगभग बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं। पृथ्वीपुर भी हम लोग जीतने की स्थिति में है। 1300-1400 या 1000 वोट का डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता विधानसभा में। अभी करीबन 12 राउंड या 13 राउंड वहां पे बाकी है काउंटिंग के। और रह गई बात जोबट की, तो जोबट में सुलोचना जी को कांग्रेस से आयातित करके यहाँ पे चुनाव लड़ाया गया था। कांग्रेस से पूर्व विधायक रही है, कांग्रेस की वो पहले विधायक रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई भरोसा नहीं है। यही रहगांव में किया, यही जोबट में किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरा जीवन लगा देते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती। बिल्कुल। सुलोचना रावत की आपने यहाँ पर बात की, नीलांशु जी के कांग्रेस से आयातित किया है बीजेपी ने, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से सुलोचना रावत जीत रही है, वजह कांग्रेस ही? अभी तो पूरा संभावनाओं पे जवाब नहीं देना चाहिए, अभी तो पूरा रिजल्ट आना बाकी है। तो 1.5-2 घंटे बाद पूरी रिजल्ट सामने आ जाएंगे, फिर हर सवाल का, आपके इन सवालों का भी जवाब देंगे। लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है। आम जनता का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं है। आम जनता जो हमेशा कांग्रेस जो आम जनता के बारे में सोचती है, आम जनता त्रस्त है और आम जनता के का चुनाव है और आम जनता इसमें जीतेगी। जी शुक्रिया नीलांशु जी इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल नीलांशु चतुर्वेदी जी को हमने सुना, जिस प्रकार से जो है रैगांव में तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन पृथ्वीपुर की सीट जो है, पृथ्वीपुर सीट का भी वो जीत का दावा कर रहे हैं कि पृथ्वीपुर सीट पर भी 1000-1500 वोट जो है आगे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पृथ्वीपुर सीट का भी जीत का भी दावा करते नजर आए हैं नीलांशु चतुर्वेदी जी। तो रैगांव में और पृथ्वीपुर में उन्होंने जीत का दावा किया है। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है, 6985 वोट से कल्पना वर्मा इस वक्त आगे हैं। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल 40,620 मतों से आगे हैं। तो खंडवा सीट शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रही है और यहां पर जो है गुर्जर वोट की अगर बात की करी जाए तो 2,00,000 से 2.5 लाख जो है लगभग गुर्जर वोटर हैं। कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जोबट में भी बीजेपी प्रत्याशी तो बराबरी का आंकड़ा ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2 सीट अगर हो सकता है कांग्रेस के पाले में जाए तो बाकी की 2 सीटें जो है बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कड़ा मुकाबला यहां पर कहा जा सकता है कि कड़ा मुकाबला जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। हालांकि दिवाली किसकी मनेगी और जीत किसकी होती है वो शाम तक पता चलेगा। खंडवा सीट की अगर बात करी जाए तो इस वक्त ज्ञानेश्वर पाटिल 40,620 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अनादि टीवी पर। सुबह से ही लगातार जो है रुझानों का सिलसिला जारी है और जो गिनती हो रही है वो उतार चढ़ाव यहां पर दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल इस वक्त 40,620 मतों से आगे हैं। रैगांव में कल्पना वर्मा 6,985 वोट से आगे हैं। जोबट में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। सुलोचना रावत 10,000 एक बहुत बड़े अंतर से यहां पर आगे चल रही हैं। सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई और 10,526 वोट से इस वक्त
वो आगे चल रहे हैं। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से नीलांशु चतुर्वेदी जी हमें आश्वस्त दिखाई दिए थे कि 1000-1500 वोट का अंतर जो है वो ज्यादा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीपुर सीट के लिए भी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि शाम तक पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है, लेकिन फिलहाल जो है, चलिए अब खंडवा का रुख कर लेते हैं। खंडवा से हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? आवाज आ रही है सौरभ? आपकी आवाज अब तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से बताइए जी। आपको आवाज आ रही है जी? सौरभ बताइए। हेलो, पूनम जी। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? जी, आवाज आ रही क्लियर जी? सौरभ बिल्कुल। पूनम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी 46,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है खंडवा लोकसभा से। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बागली में जो मतगणना की काउंटिंग हो रही थी, उसमें कुछ त्रुटि की वजह से कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मतगणना कक्ष के बाहर किसी तरह का हंगामा और नारेबाजी की गई है। सौरभ, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आपके पीछे जो है काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल स्थिति वहां पर किस प्रकार की है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो भीड़ है, इसमें कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा भाजपा और प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो बागली में उपचुनाव की गिनती हो रही थी, उसमें कुछ त्रुटि की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि बागली उपचुनाव में जो काउंटिंग हो रही है वो रिकाउंटिंग वापस से उसकी गिनती की जाए। से जो है आपने ये अपडेट दी है कि हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है, धरना दे रही है, इसके अलावा बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे कोई बड़ा नेता भी यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। फिलहाल स्थिति की हम बात करें तो कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पे लगातार हंगामा किया जा रहा है बागली में जो उपचुनाव की काम। जी सौरभ, शुक्रिया इस अपडेट को साझा करने के लिए। तो खंडवा से सौरभ हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर जो है जरूर हंगामे की स्थिति बनी थी, जिसको लेकर जो है कांग्रेस ने धरना भी दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जोबट से खबर आपको बता रहे हैं, 6000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जोबट में सुलोचना रावत जीती हैं। जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी हार गए हैं। जोबट में सुलोचना रावत और महेश पटेल के बीच मुकाबला था। जोबट विधानसभा सीट पर सुलोचना रावत जीत गए हैं, महेश पटेल हारे हैं। सुलोचना रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और अब वो जीत गई हैं बीजेपी से। कांग्रेस के महेश पटेल हार गए हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2021 के रुझान आपको बता रहे हैं। जोबट में नतीजे आ गए हैं। जोबट में सुलोचना रावत जीत गई हैं। जोबट में सुलोचना रावत और महेश पटेल के बीच मुकाबला था। कांग्रेस से महेश पटेल और बीजेपी से सुलोचना रावत के बीच मुकाबला था और अब सुलोचना रावत जीत गई हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत जोबट विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। तो यहां पर सुलोचना रावत और महेश पटेल के बीच मुकाबला था और अब सुलोचना रावत ने जीत हासिल कर ली है जोबट विधानसभा सीट से।
जोबट से ये आपको नतीजे बता रहे हैं, सुलोचना रावत जीत गई हैं। चलिए जोबट में बीजेपी की जीत हो गई है, जोबट में सुलोचना रावत जीत गई बीजेपी प्रत्याशी। चलिए और अब अलीराजपुर से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जोबट में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई, सुलोचना रावत तो बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई हैं, जोबट विधानसभा सीट जिसका कहा जा रहा था हालांकि पहले ही से कि बीजेपी की जीत यहां पर होगी और वही हुआ, जोबट विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में चली गई है। सुनील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सुनील, जिस प्रकार से कहा जा रहा था सुलोचना रावत की जीत का, जोबट विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में इस वक्त चली गई है। सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सुलोचना रावत यहां पर जोबट विधानसभा सीट जीत गई हैं, बीजेपी की जीत हुई है यहां पर। जोबट विधानसभा सीट के नतीजे आपको बता रहे हैं, जहां पर महेश पटेल की हार हुई है। जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर मुकाबला था और बीजेपी यहां पर जीत गई है, सुलोचना रावत की यहां से जीत हुई है। जोबट विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार जीत गए हैं, सुलोचना रावत ने जीत हासिल की है जोबट विधानसभा सीट पर। भाजपा विजयी हुई, कांग्रेस के उम्मीदवार महेश पटेल को 5000 वोट से शिकस्त दी है सीट पर। कांग्रेस 11 बार और भाजपा 2 बार ही विजयी हुई है। शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर में भी मतगणना सुबह 8 बजे से आरंभ हुई, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, उसके बाद सुलोचना रावत ने हर दौर में कांग्रेस उम्मीदवार पर अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत हासिल की। चलिए अलीराजपुर का रुख कर लेते हैं, अलीराजपुर से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जोबट विधानसभा सीट पर सुलोचना रावत बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बताना चाहूंगा कि शुरू के फर्स्ट राउंड से ही बीजेपी ने यहाँ पे लगातार बढ़त बनाए रखी और अंत तक लगभग बीजेपी की बढ़त चलती रही। बिल्कुल, बीच के जो एक दो राउंड थे 22 के राउंड में, वहीं पे बीच कांग्रेस ने कुछ बढ़त बनाई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस
डाउन होती रही और यहाँ पे बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाने के साथ जीत दर्ज की है। पूनम, बिल्कुल बीजेपी की जीत हुई है, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इससे पहले का अगर हम देखें तो कांग्रेस इस सीट से 11 बार और बीजेपी केवल 2 बार विजय रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी को जीत मिली, आखिर इसकी वजह क्या देखते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि 2003 में बीजेपी का भगवा जो चला था लहर, उसमें जीती थी। उसके बाद उनके जो नेता थे, विधायक थे बीजेपी के, माधव सिंह राव, उनके कार्यकाल हुए। उसके बाद 2008 में फिर कांग्रेस ने प्रथम लिया है और 2013 में माधव सिंह ने विशाल रावत को हराया था, जो अभी फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए। उसके लगातार बाद बीजेपी की हार हुई है 2 चुनाव में और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जो अभी का जो चुनाव था, उपचुनाव था, इस उपचुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय और राज्य की जो योजना है, संबल योजना हो, पीएम योजना, पीएम आवास योजना हो, जैसी कई योजनाओं को लेकर मतदाता के पास गई और उसको लेकर जी। सुनील शुक्रिया इस अपडेट के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जोबट विधानसभा उपचुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा, यानी इसमें से कोई भी बटन नहीं दबाया, 4 निर्दलीय प्रत्याशियों से अधिक मत नोटा को मिले हैं। हालांकि बीजेपी की जीत हुई है और इस सीट पे पहले कांग्रेस 11 बार जीत दर्ज कर चुकी थी और बीजेपी की केवल 2 बार ही जीत हुई, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत हासिल की है। सुलोचना रावत इससे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में अब से कुछ दिन पहले शामिल हुई थी और बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और सुलोचना रावत ने जीत हासिल कर ली है। तो 5000 वोट से महेश पटेल को शिकस्त दी है सुलोचना रावत ने। तो आदिवासी बहुल सीट है, आदिवासी बहुल सीट पर 16 विधायक कौन होगा ये इसका कहा जा रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से जीत हासिल हुई है, 5000 वोट से सुलोचना रावत जीती हैं ये सीट। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई थी और सीट पर अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत और कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल के बीच था। सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था, सुबह 6 बजे से अफसर कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और अब दोपहर को नतीजे क्लियर हो चुके हैं। यहां पर सुलोचना रावत ने जीत हासिल की है, 5000 वोटों से महेश पटेल को हराया है, करारी शिकस्त यहां पर कह सकते हैं दी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ हुई थी सुबह और इसके बाद साथ साथ टेबलों पर ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की गई और अब नतीजे यहां पर आ चुके हैं सीट पर। और चलिए अब सीधा बीजेपी कार्यालय का रुख कर लेते हैं। बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, क्या माहौल बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। आवाज मिल पा रही है? चलिए अंकुर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त अंकुर जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए बीजेपी कार्यालय में हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी का रुख कर लेते हैं। अंकुर जी, बीजेपी ने जोबट विधानसभा सीट जीत ली है, क्या माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में? अभी एक सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं बीजेपी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। निश्चित तौर पर एक बड़ा जो फैसला आया है जोबट में, जो कि कांग्रेस की सीट थी पहले वहां पर, लेकिन अब जिस तरह से सुलोचना रावत जो कांग्रेस से भाजपा में आए, उन्होंने जीत हासिल कर ली, तो पहला परिणाम सामने आ चुका है। निश्चित तौर पर बाकी खंडवा में और पृथ्वीपुर में बीजेपी आगे चली, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। अभी दीपावली जैसा यहाँ माहौल है, बाकायदा एक बहुत खूबसूरत ढंग से फूलों से तोरण लगा के यहाँ पर बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है, यहाँ पर दीपक लगाए गए। इसके साथ साथ आकर्षक आतिशबाजी की, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ पे धनतेरस की पूजा के बाद जो जश्न हुआ उसमें वैसा मेले खुद फुलझड़ी उन्होंने चलाई। यहाँ पर जो महापुरुषों की प्रतिमा है दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ साथ काफी अच्छे आकर्षक आतिशबाजी यहाँ पर की गई। निश्चित तौर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर बधाई दी जाए तो कहेंगे निश्चित तौर पर बीजेपी कार्य में एक तरह से जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत अभी मिल गई है। जो बट अपने आप में कड़ा मुकाबला ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से 5000 वोटों से सुलोचना रावत जीते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत बीजेपी को यहाँ पर मिली है। फिलहाल अभी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। आशीष जी बिल्कुल, ये हमारे साथ प्रवक्ता है, एक जोबर से जीत गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की, भारतीय जनता पार्टी के निर्णायक नेतृत्व क्षमता की ये जीत है। जिस तरीके से टीम बीजेपी ने काम किया, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने संगठन के द्वारा तय की गई प्रत्याशी को जिताने के लिए काम किया, उसकी जीत है। दूसरी ओर कांग्रेस थी जो वंशवाद से वंशवाद की लड़ाई लड़ रही थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर सुभाष यादव जी के पुत्र को निपटा रहे थे, उनकी फसल काट रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन सिंह जी के पुत्र को निपटा दिया गया और ये सब मिलकर जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ को निपटाने में लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर नकारात्मकता वर्सेस सकारात्मकता में सकारात्मकता जीती है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जीती है, वंशवाद हारा है, गुंडावाद हारा है। ये बताएं, इसके अलावा बाकी लोकसभा में आप आगे चल रहे हैं, प्रतिपुर में आगे चल रहे हैं, रेगांव में कहां कमी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सतत विचार करने वाला संगठन है। हम हर जीत और हर हार से सीखते हैं, तो निश्चित ही अगर उस सीट पर हम पीछे चल रहे हैं और अंतोगत्वा परिणाम भी हमारे विपरीत जाते हैं तो उसकी समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि कहां कमी रही। खंडवा लोकसभा में काफी अच्छी लीड ली है, क्या अहम मुद्दे चले? देखिए, जब खंडवा और लोकसभा की बात होती है तो निश्चित ही प्रदेश के नेतृत्व और देश के नेतृत्व की बात होती है और जनता के जीवन में बदलाव लाने वाली जो योजना है भारतीय जनता पार्टी, वो जनता ने महसूस की है और उसका परिणाम देके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान किया है। प्रतिपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, कई सालों से वहां पर कांग्रेस का कब्जा था, अब भाजपा के पाले में आती नजर आ रही, तो किस तरह से वहां में? देखिए, वहां की जनता परेशान थी, एक तो गुंडागर्दी से परेशान थी, दूसरी बात वंशवाद से परेशान थी और इन दोनों के विरुद्ध जब भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक नेतृत्व उनको नजर आया, जब भारतीय जनता पार्टी के विकास की गारंटी नजर आई तो उन्होंने दोनों हाथ खोल के समर्थन दिया। मुझे पूरा विश्वास है ये ऐतिहासिक जीत हम पृथ्वीपुर में हासिल करेंगे। आज बीजेपी कार्यालय में दिवाली मनाई गई। देखिए, दिवाली तो निश्चित ही होगी क्योंकि ये दिवाली जब जनता के आशीर्वाद की दिवाली होती है तो और भी स्पेशल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने हमारे नेतृत्व के निर्णय को सही साबित करने के लिए जो मेहनत किया है, निश्चित ही ये उसके लिए एक ऐतिहासिक दिवाली हमारे लिए रहेगी। बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। काफी मेहनत सभी ने की लेकिन इनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। सर, आज एक जगह आप जीत चुके हैं, जोवट के परिणाम आ चुके हैं। निश्चित रूप से खंडवा लोकसभा भी एक बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पृथ्वीपुर भी एक जो कहा जाता था कि वो उनका गढ़ है और लोगों की वहां दादागिरी चलती है, वो किला ढह रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। बात रेगांव की भी है तो रेगांव में भी कुछ चीजें नीचे ऊपर चल रही, हो सकता है अंतिम परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की मेहनत को और संगठन की दृष्टि से माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के कार्य को जनता ने अपना स्थान दिया, स्नेह दिया है। हम और कटिबद्ध होकर के मध्य प्रदेश की जनता की सेवा सरकार भी कर पाएगी, संगठन के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सेवा करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी उन मतदाता बहनों और भाइयों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में फिर से अपना विश्वास व्यक्त किया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कमलनाथ, कांग्रेस के लोग पीसी शर्मा आरोप लगा रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी, जब ये जीतते हैं तब तो खुद जीतते हैं और जब हारते हैं तो ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते हैं, इसलिए उनको खुद का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस निश्चित रूप से रसातल की ओर जा रही, जो उनका वोट बैंक था वो भी छिटक गया, जिस पर वो उनको लगता था घमंड होता था, निश्चित रूप से उस वर्ग के लिए भी कभी भी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो वर्ग भी उनसे छिटक करके दूर होता जा रहा है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण हो सकती है और
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देने के लिए कि निश्चित रूप से बूथ स्तर तक, नगर केंद्र ग्राम स्तर तक जाकर के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को जनता के बीच में पहुंचाने में सफल हुए, उसके कारण ये परिणाम आए। दिवाली के पहले दिवाली मनाई गई, निश्चित रूप से दिवाली के पहले ये तोहफा है, इसलिए मध्य प्रदेश की सभी तीनों विधानसभा और लोकसभा की जनता का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध स्नेह और प्रेम व्यक्त किया, इसलिए ये दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई है। बिल्कुल, ये थे भगवान लाल सवनानी जी, उन्होंने निश्चित तौर पर बताया सभी सीटों के बारे में, उन्होंने विश्लेषण करके बताया, यह भी माना उन्होंने कि रेगांव में कहीं कोई कमी रह गई होगी निश्चित तौर पर, तो वहाँ के उनके अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी वोटिंग अभी मतदान मतगणना जारी है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि आखिर में उन्हें सुखद परिणाम देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर उन्होंने आज जब बीजेपी कार्यालय में दिवाली मनाई गई तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरा हर कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, कार्यकर्ता खुश है और निश्चित तौर पर आज उसकी खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हो चुकी है, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और आश्वस्त भी नजर आ रही है, आगे और भी सीटों के नतीजे लगातार जो है रुझान आ रहे हैं, तो पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ।